इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो चैटबॉट से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने ज़्यादा आगे पहुंच गई है कि वो एक इंसान की जगह ले ले रहा है। मशीनें, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन आज के समय में इंसानों की जगह ले ले रहे हैं, उसकी जगह को पूरा कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम बात करें, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो होटल में जैसे ही दरवाजे से आप एंटर करेंगे, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बढ़िया सुंदर सुंदर लड़कियाँ आपका स्वागत करती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भी आप किसी वेबसाइट में इंटर करोगे, जब भी कोई पेज खोलोगे गूगल में, आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि एक इंसान की जगह में चैटबॉट का इस्तेमाल कर रही हैं। कुल मिलाकर के चैटबॉट एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंसान ही है, समझ लीजिए। आपसे आपके बारे में पूछेगा और आपको फिर सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप SBI कार्ड में एक इला करके एक लेडीज़ हैं, ठीक है, वो आपसे आप क्वेश्चन पूछती है कि कैसे, क्या आपकी समस्या है, कैसे करके मैं आपको उसका हल निकाल करके दे सकती हूँ। तो कुल मिलाकर के आपको एक कॉर्नर में छोटा सा आइकन रहेगा, वहाँ लेडीज़ का चिन्ह रहेगा, हेलो आई एम इला, व्हाट मे आई हेल्प यू करके शुरू में ही दिखा देगा। वहाँ जाकर के आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के SBI कार्ड ने जो काम एक इंसान कर सकता था, जैसे कि आप देखेंगे कॉल सेंटर में, ठीक है, लोगों को बैठा दिया जाता है, वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका हल उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उस इंसान के बराबर में ये चैटबॉट आजकल करने लगे हैं। मतलब आज के समय में ऐप प्रोग्रामिंग, आप जो कुछ भी समझ लीजिए, इनके मदद से इंसान की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एकदम आपको सटीक आंसर मिलते हैं। इंसान यदि वही चीज़ को दे आपको बताएगा तो हो सकता है वो कुछ गलती कर ले, लेकिन यदि आपको जो है इस प्रकार के चैटबॉट के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है तो आप समझ लीजिए उसमें कोई भी गलती नहीं मिलने वाली है। तो ये जो चैटबॉट शब्द होता है इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो चैट है और दूसरा है बोट। चैट का मतलब होता है बातचीत करना, आप टाइप कर रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट में ही आप कुछ कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो वहाँ पर यदि एक चैटबॉट है तो आप वहाँ पर चैट करेंगे उससे, पूछेंगे कि ये इसमें कौन कौन सी खासियत है वाले मोबाइल में, तो आपको वो चैटबॉट है, रोबोट है, अपने आप आंसर देते जाएगा। और बोट का मतलब रोबोट होता है। इस तरह चैटबॉट का मतलब होता है बातचीत करने वाला रोबोट। ये कोई फिजिकल रोबोट नहीं होता है, चैटबॉट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग के लिए बनाया जाता है। चैटबॉट से कोई भी बात कर सकता है। जैसे ही आप चैटबॉट से कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब उसे पता होगा, वो तुरंत जवाब जरूर देता है। आप चैटबॉट से बिल्कुल ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि चैटबॉट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं हॉस्टिंगर, मैसेज एनवे, डोमिनोस, कैस्पर। तो चैटबॉट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग लाइव मानव एजेंट के साथ सीधे संपर्क प्रदान करने के लिए, ठीक है, सीधे संपर्क प्रदान करने के बदले टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच के माध्यम से ऑनलाइन चैट वार्तालाप करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के चैटबॉट पाए जाते हैं। इसको दो मेनली आप देखेंगे, एक होता है रूल बेस्ड और दूसरा होता है AI चैटबॉट। तो यहाँ जो एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे वो AI बेस्ड चैटबॉट के बारे में हम बात करेंगे। तो एक होता है रूल बेस्ड चैटबॉट। रूल बेस्ड चैटबॉट ऐसे चैटबॉट होते हैं जिनके जवाब पहले से ही सेट कर दिए गए हैं। इन चैटबॉट के प्रोग्राम में पहले से ही एक सेट ऑफ क्वेश्चन को डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे सकते हैं और बाकी के आप कुछ और पूछेंगे तो उसके जवाब ये नहीं दे पाएंगे। अगर आपने इनसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो इनके प्रोग्राम में नहीं है तो ये उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। नॉर्मली ज़्यादातर मैं जो चैटबॉट देखा हूँ वो इसी टाइप के देखा हूँ। वहीं जो AI चैटबॉट होते हैं वो अपने दिमाग के हिसाब से आपका जवाब दे देंगे। AI बेस्ड चैटबॉट ऐसे होते हैं जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। इनमें कोई भी सवाल नहीं डाले गए हैं पहले से, बल्कि आप कोई भी सवाल करोगे तो उसका जवाब ये फटाफट दे देंगे। यूज़र इनसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। ऐसे चैटबॉट्स यूज़र के किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे देते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए
तो ये जो AI चैटबॉट्स होते हैं समय के साथ लिखने की काबिलियत रखते हैं, जैसे जैसे ये यूज़र के साथ बात करते हैं वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जाते हैं, ठीक है। और ये यूज़र से बात कर कर के सीखते हैं और अपने जवाब की एक्यूरेसी को भी बढ़ाते जाते हैं। AI चैटबॉट्स का आप एग्जांपल देख सकते हैं, अमेजन की एलेक्सा है, ठीक है। बोलते हैं ना कई कई बार आप देखें, म्यूज़िक चालू करो, लाइट चालू करो, पंखा चालू करो, गूगल का असिस्टेंस है, एप्पल की सीरी है, ये सभी चैटबॉट्स हैं जो कि समय के साथ सीखते सीखते आज बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वहीं यदि हम चैटबॉट से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स की बात करें, नुकसान की बात करें, तो पहले नंबर की बात यह है डिफ़िकल्ट टू क्रिएट। चैटबॉट को हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है। हर कोई यूज़ करने का मतलब ये है, आप ये सोचें कि मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ और वहाँ पर मैं एक तो चैटबॉट रखूँगा, तो ये आपके लिए ऐसा सस्ता वाला सौदा होने वाला नहीं है। चैटबॉट को कोई आसानी से बना नहीं पाता है। चैटबॉट बनाने के लिए अच्छी कोडिंग आना ज़रूरी है, लेकिन आजकल मार्केट में मोबाइल मंकी जैसी कुछ वेबसाइट आ गई हैं जिनकी मदद से बहुत आसानी से कोई भी चैटबॉट बना पा रहा है। लैक ऑफ इनोवेशंस की बात करते हैं, जाहिर सी बात है जो इंसान है वो फीलिंग्स के साथ में आपसे बातचीत करेगा, लेकिन चैटबॉट में कोई आपको फीलिंग्स नहीं मिलेगी। भले ही वहाँ पर एक लड़की के तौर पर लड़की नाम रख दिया जाएगा उस चैटबॉट का, ठीक है, और फीमेल की तरह बातचीत करेगी, लेकिन वहाँ पर आपको फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, ना तो आपको थोड़ा सा हंसी मजाक मिलेगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और बढ़ते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर प्रोनाउंस टू एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिक्वायरमेंट है कि हम प्रोनाउंस करें, रिक्वायर्स टू प्रोनाउंस। सबसे पहले तो आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको क्या कह के संबोधित करेंगे, लड़का, लड़की, यू, ही, दे, क्या चीज़ करके आप उसको पुकारेंगे। लेकिन उसको आप जो आइडेंटिटी दे रहे हैं इंसानों से थोड़ा सा अलग आपको देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया गया है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग थलग, थोड़ी सी हटके। एंड इट इज़ ए राइट फॉर एथिकल एंड सिक्योरिटी रीजन। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये एक एथिकल कारण है, ये एक सिक्योरिटी रीजन भी है। टू नो दैट ए पर्सन इज डीलिंग विथ ए बोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबोट्स आर हैविंग ए सेमिनल मोमेंट। आज के समय में आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित जो चैटबोट हैं, ठीक है, आज के समय में कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इंट्रो हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर भी देख ले रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट होते हैं, इनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि ये इंसानों के जैसे बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं NLP। NLP की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट इतने ज़्यादा योग्य हो जाते हैं कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को। इंटरप्रेट करना मतलब होता है व्याख्या करना। एस इट इज़ रिटन विच इनेबल्स देम टू ऑपरेट मोर और लेस ऑन देयर ओन। आपने कोई चीज़ पूछा है, आपने लिखित में कोई चीज़ क्वेश्चन उससे पूछा है, और आपको लिखित में ही जवाब मिलते जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो AI चैटबॉट सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज आउटसाइड ऑफ प्री प्रोग्राम कमांड। आपने ऑलरेडी से क्वेश्चन उसमें नहीं डाला है, ठीक है, फिर भी वो आपके क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और उसके हिसाब से आपको आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से, छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, चैटबॉट कैसे करके काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये आप बैठी हैं, आपने क्या काम किया, सबसे पहले एनालाइज यूज़र्स रिक्वेस्ट। मैंने एक क्वेश्चन डाला, आपने एक क्वेश्चन डाले, उसके बाद यूज़र्स की रिक्वेस्ट का एनालाइज किया गया। इसके बाद आइडेंटिफाई किया गया इंटेंट एंड एंटिटीज को। तीसरे नंबर पे कंपोज किया जा रहा है आपके आंसर को और फिर भेज दिए हैं आपको। इस प्रकार से आपको आपका आंसर मिल सकता है। ऐसे करके AI चैटबॉट काम करता है। यहाँ पर आप बैठी हैं, आपने सबसे पहले क्या काम किया है, अपना क्वेश्चन टाइप किया है। सेकेंड नंबर पर ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको एनालाइज कर रहा है।
फिर आइडेंटिफाई कर रहा है इंटेंट को एंड एंटिटीज को, इसके बाद कंपोज रिप्लाई, और आपके हिसाब से ही आपको वो जवाब देगा। ठीक है, जैसे आप लड़का हैं तो लड़के के हिसाब से, और आप लड़की हैं तो लड़की के हिसाब से। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के माध्यम से ही चैटबॉट इंसानों की तरह, एक्सपर्ट इंसानों की तरह बातचीत कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कुछ कुछ समय में तो ये इंसानों से भी ज़्यादा बेटर जॉब कर रहे हैं देन बेस्ट ऑफ अस समराइजिंग ए कॉम्प्लेक्स आइडिया। किसी चीज़ की समस्या से आप ग्रसित हैं, सोच रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाता, तो हो सकता है चैटबॉट ऐसे भी आ जाएं जो कि आपकी समस्या को हल भी कर सकें। आप बोल रहे हैं कि मेरे को पर्यावरण के ऊपर निबंध लिखना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक ऐसी लिखिए, ऐसे लिखिए, तो वो भी काम अब चैटबॉट के माध्यम से हो पाएगा। यहाँ पर हमको प्रॉम्प्ट्स जैसे वर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जब भी आप इंटरनेट में सर्चिंग करते हैं तो इसके लिए रिक्वायरमेंट रहता है अस टू लर्न द आर्ट ऑफ कीवर्ड। गूगल में आप कुछ भी कीवर्ड टाइप करते हैं जब जाकर के आपको रिजल्ट मिलता है, वहीं LLM में रिक्वायरमेंट रहती है अस टू मास्टर प्रॉम्प्ट्स। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें मास्टर प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत है, संकेतों की ज़रूरत है LLMs के लिए। अब प्रॉम्प्ट्स की बात करें, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार से आर्किटाइप, मूल रूप से यूज़र जनरेटेड क्वेश्चन होते हैं। प्रॉम्प्ट्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन से हैं, एज वेल एज इंस्ट्रक्शन बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इलिसिट ए डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द एल्गोरिदम। तो प्रॉम्प्ट्स का मतलब है क्वेश्चन से, इंस्ट्रक्शन से, ये किसके द्वारा तैयार किए गए हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से, इसी से आपका जवाब निकलता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के समय में इज बिकमिंग ए सॉट आफ्टर जॉब टू ट्रेन चैटबॉट टू एक्ट मोर लाइक एब्सेंट ह्यूमन बीइंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के माध्यम से ही चैटबॉट को एब्सेंट ह्यूमन बीइंग्स की तरह तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक समस्या जो आती है, समस्या तो नहीं कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी चैटबॉट बनाती है तो मैं उसको लड़का बनाऊँ कि लड़की बनाऊँ कि फिर जेंडर फ्री रखूँ उसको, ये उनके मन में क्वेश्चन पैदा हो जाता है। लॉ मेकर्स इस बात को लेकर के डिवाइडेड हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लीगल पर्सनहुड दी जाए कि नहीं दी जाए, तो क्या चीज़ इसको दिया जाए। कई कई लोग सोचते हैं कि यदि हम इसको लड़की के हिसाब से तैयार करेंगे, इसका नाम लड़की रख देंगे और ये लड़की की तरह बात करेगी, सुंदर सी लड़की की तरह, तो हो सकता है लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़की के साथ में बातचीत करना पसंद करते हैं। हर जगह आप देखेंगे होटलों में जो रिसेप्शनिस्ट रहती हैं वो लड़कियां रहती हैं, वहीं हवाई जहाज़ में आप देखेंगे जो एयर होस्टेस रहती हैं वो भी लड़कियां ही रहती हैं। तो इस हिसाब से कई कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, इनको हम जो है एक लड़की की तरह तैयार करेंगे इन चैटबॉट्स को। रिड्यूस केसेस ऑफ AI's मिस्टेकन आइडेंटिटी। अब इससे क्या चीज़ हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, इस प्रकार के जो केसेस हैं वो रिड्यूस हो पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। एक्सपर्ट लोग ये सजेस्ट करते हैं दैट रिस्ट्रिक्टिंग AI फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस एज वेल एज अदर ह्यूमन प्रोनाउंस में रिड्यूस केसेस ऑफ AI's मिस्टेकन आइडेंटिटी। एक्सपर्ट लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस, ये रिड्यूस कर सकता है AI की मिस्टेकन आइडेंटिटीज को। फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे, जिसको हम प्रथम पुरुष बोलते हैं हिंदी में देखा जाए, संस्कृत में देखा जाए, तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति बात कर रहा है। सेकंड पर्सन बोलेंगे वो किसके साथ में बात कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं सामने कोई बैठा उसके साथ में बात कर रहा हूँ, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया वो, और तीसरे की कहीं बातचीत चल रही है कि वह किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वहाँ गया, उसने ये किया, तो उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल, एक्सपर्ट लोग ये सजेस्ट करते हैं यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि आप फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल मत करिए, आप
अदर ह्यूमन प्रोनाउंस का इस्तेमाल मत करिए, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है उस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कम हो सकती हैं। वहीं आप ये देख सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लड़का या लड़की बना रहे हैं या फिर न्यूट्रल रख रहे हैं, ठीक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जेंडर बनाना चाह रहे हैं, इसको जेंडर का स्वरूप दे रहे हैं, ऐसा हम आखिर कर क्यों रहे हैं? इससे क्या है, यूज़र के साथ में जो इमोशनल कनेक्शन है ना वो स्थापित हम कर सकें। इन द लॉन्ग रन दिस वुड रियाप द बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटर इंगेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो सकता है ग्राहकों का चैटबोट के साथ में, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको अच्छे से अच्छा रिवेन्यू स्ट्रीम देखने को मिल जाएगा।